हेलो गाइस, आई एम अरुणराज सिंह एंड दिस अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एज प्रॉमिस्ड, ये वीडियो है 3 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटजी पे। ये सबसे ज़्यादा कमेंट, ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट किसी भी वीडियो पे मेरे यही आए हैं। लास्ट के फ्यू 3-4 वीडियोज में 50 to 60 कॉमेंट्स आए कि 3 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटजी सर आप बताओ कि कैसे 3 मंथ्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे रिवाइज करें, सो दैट आई कैन क्रैक नीड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है गाइज, क्योंकि देखिए गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर मैं एक साथ सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा होता तो बहुत इनफेक्टिव हो जाती है। 40-45 मिनट के वीडियो को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखने का मतलब होता है। तो इसलिए क्या होगा, 3 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटजी को गाइज मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 4 to 5 पार्ट्स में। सारे पार्ट जरूर देखना गाइज। सो बिफोर वी बिगेन, मैं ये बोलूँगा गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू क्लिक ऑन दैट रेड कलर सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन बटन, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आ गई आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सारे पार्ट जरूर देखना गाइज एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर करो, सो दैट वो 3 मंथ में अगर सोच रहे हैं अभी तक वो डाउन फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं कि क्रैक नहीं कर सकते नीट, तो आप जरूर ये वीडियो देखें। आपको जरूर एक मोटिवेशन, एक स्पार्क तो मिलेगी कि आप जहाँ तक, आप देखो कोई कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन होगी, जहाँ से प्रिपरेशन हो रहे हो छोड़ो, वहाँ से आप फिर से हार्डवर्क करना शुरू करो ताकि आप क्रैक कर सको नीट को। ठीक है गाइज, तो ये ओवरव्यू वीडियो है जिसमें मैं अपने 3 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटजी को 4 to 5 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, तो फॉलोइंग कुछ वीडियोस के मैं टॉपिक्स बता देता हूँ कि किन किन पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। सबसे पहला वीडियो जो गाइज आ रहा होगा, ये तो ओवरव्यू वीडियो हो गया। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर मैं कॉन्टेंट लिख चुका हूँ, उसको बस रिकॉर्ड करना है और एडिट करना होगा, थोड़ा बहुत एडिट करता हूँ। चेंजिंग अ माइंड सेट गाइज, ये एक वीडियो होगी। ये बेसिक चीज़ होती है टू स्टार्ट विथ। देखिए, कोई भी चीज़, एनी जर्नी यू हैव टू एम्बार्क ऑन, कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो, कोई भी टारगेट या डिस्टेंस गोल रखते हो, तो उसके लिए माइंड सेट, एक प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक, जैसे आप 10 to 12 जाते हो ना, तो एक फेज चेंज आता है। ठीक, वो सॉरी 10 to 11 में आप जा रहे हो तो एक फेज चेंज आता है। आपको मालूम होता है ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, माइंड को एक्सपैंड करना है, ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा अगर अकेडमिक फील्ड में हो आप, राइट, साइंस चूज किए हो तो। वैसे ही क्या होता है, जो ये फेज होता है ना, काफ़ी एक टफ टसल होने वाली है, राइट। आपको काफ़ी प्रेशर बेयर करना होगा एंड मोमेंटम के साथ कंटिन्यू करते रहना होगा एंड में। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं पहले से आपको बता दूंगा कि आप ना बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड हो, तो वैसा आपको एक माइंडसेट लेके चलना होगा। मैं 5 पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ इस माइंडसेट वाले वीडियो में, 2 दिन के अंदर ये वीडियो आ जाएगी। तो ये आपकी बेसिक वीडियो होगी जिससे हम लोग शुरू कर रहे होंगे। डू वॉच दिस वीडियो गाइज, ये वीडियो जल्दी आ रही है 2 दिन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो मैं बता रहा हूँ गाइस, पहले तो आपको माइंडसेट मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया कि इन बातों का आपको ध्यान रखना, ठीक है, दिमाग से लाइक ये आपको मेंटली इक्विप करेंगे ये वीडियोस, ठीक, पहली वाली वीडियो। दूसरा जो वीडियो होगा ना यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगा। अब देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं स्मार्ट वर्क में बोला था ना कि उनका वो हाई हील टॉपिक्स है, वो फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स होते हैं, उनसे क्वेश्चन आना ही आना है नीट के पेपर में। ठीक है, जो भी पेपर बना रहा है वो स्किप कर ही नहीं सकता उन टॉपिक्स को। तो पहले मैं वो टॉपिक्स के लिस्ट कर दूंगा, क्योंकि देखो यार, मेरे पास वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ स्टूडेंट्स है, लाइक देयर इज अ रेंज ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। जो अच्छा कर रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, 600+ वाले वो सब पढ़ रहे हैं, पर कई का मोटिव ही होता है कि बस नीट क्रैक कर ले, कई कई बार ड्रॉप कर रहे होते हैं। उनका अगर पेन एंड सफरिंग देखो तो उनके लिए क्या होता है ना एक मोटिव कि सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, कई का फोर्थ ड्रॉप हो रहा होता है यार, मैसेज कर रहे होते हैं तो मेरे को बुरा लगता है। तो मैं अगर उनको इतना भी बता दूँ ना कि कौन कौन से मेन मेन टॉपिक्स हैं, तो इतना कवर कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी, ये कह सकता हूँ। लेकिन आप नीट लाइक क्रैक तो कर लोगे, ठीक। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनका आपको ध्यान में रखना होगा, उनको सबसे पहले करना होगा, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उनकी लिस्ट मेरे पास है, अगर आप मेरे पे फेथ रखते हो तो उस लिस्ट को फॉलो करना ज़रूर से, ठीक है, एंड शेयर करना वो वीडियो एज टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। ये वीडियो पहुँचाओ मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को। देखो, ये ओवरव्यू वीडियो है गाइस, पहले भी मैंने एम फॉर एम्स के लिए वीडियो बनाई 3 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटजी, पर क्योंकि वो बहुत शॉर्ट वीडियो थी ना, तो आप लाइक सुनने में अच्छा लगता है 10 मिनट में, पर एक्चुअली क्या करना है, जब आप फील्ड में उतरते ना, सुन तो लिए बस फील्ड में उतरते तो आप लॉस्ट हो जाते यार, करें क्या, समझ ही में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। मैंने उसमें बताया है मेजर टॉपिक्स कर रहे होते और कुछ माइनर टॉपिक्स होते, पर मैंने लिस्ट नहीं किया कभी भी, राइट, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट, क्योंकि देखिए वो दूसरे का चैनल था तो काफ़ी शॉर्ट और लाइक टेपर ऑफ करके मेरे को बतानी पड़ी चीज़ है। 10 मिनट का वीडियो था, उनको शॉर्ट वीडियो चाहिए थे, ठीक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ जनरली, तो वही बनाऊंगा और उसमें सारे पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो हो सकता है, क्योंकि अगर ये बड़ी वीडियो हो जाए ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इंपॉर्टेंट मेजर मैंने टॉपिक लिस्ट करने वाली वीडियो, तो उसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। तो अगर आप पूरा नहीं देखोगे यार, तो फिर वही आधी आधी, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस दैन द नो नॉलेज, राइट।
तो आपको पूरी वीडियो वो देखनी होगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप क्या करोगे, उनको फॉलो करोगे, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड उसी के हिसाब से पेपर आप अटेम्प्ट करोगे। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस कर दी एक वीडियो में, वो देख लेना। तो आप क्या करोगे, आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, आप उस लेवल तक तो पहुंच जाओगे। या देखो 720 में से 550 560 पे कट ऑफ क्रॉस हो जाता है, कई को स्टेट कोटे के साथ कई 500 पे भी क्रॉस कर जाएंगे, तो आपको 720 नहीं लाना है। तो कुछ टॉपिक तो आप स्किप कर सकते हो ना, आपके 220 मार्क का मार्जिन है। तो 220 मार्क्स में क्या चीज़ें लाई कर रही होंगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ होगी गाइस, देखो आपको ये तो पता चल गया माइंडसेट क्या होगा, क्या क्या पढ़ना है। अब देखो ये जो फेज़ होता है 3 महीने का, ऐसा होता है जब आप घर पे रहते हो, कोचिंग ऑलमोस्ट ऑफ हो जाती है, स्कूल ऑफ हो जाते हैं, अब आप अपने बलबूते रहते हो। ठीक, अब पेरेंट्स कितना मोटिवेट करेंगे, वो उनका एज ऑलमोस्ट लाइक आपसे वो 20-30 साल बड़े होंगे। ठीक है, तो वो आपको, अब उनका फेज जा चुका है ये पढ़ाई का। ठीक है, वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते, पर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ आपको। तो मैं वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँगा जो मेरे को लाइक 2017 तक प्रिपरेशन में जो पॉइंट्स मेरे को हेल्प करती थी ना मोटिवेट करने में, जब मैं लो फील करता था। क्योंकि देखिए सबके ना लाइक प्रिपरेशन जर्नी में ये रिक्यूपरेशन एंड रिलैप्स का फेज चलता रहता है। ठीक, ये क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो ना चलता रहेगा, अप एंड डाउन चलता रहेगा। तो इस साइनोसाइडल वेव को ना टैकल करने के लिए लाइक आपको इक्विप होने की ज़रूरत है, आपको वेराइटी ऑफ चीज़ें सोचने की ज़रूरत होगी जो आपको मोटिवेट करे। एक ही चीज़ नहीं, वैरायटी ऑफ चीज़ें, सो दैट आप मोटिवेट हो सको, अपने आप को मोटिवेट कर सको, पंप अप कर सको, फिर से इंस्पायर कर सको, फिर से रोज़ के रोज़ मेहनत कर सको। एक डेली फ्यूल, एक डेली स्पार्क आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डेली बेसिस पे। तो वो आपको कैसे मिलेगा, तो मैं वैरायटी ऑफ चीज़ें बताऊँगा उस मोटिवेशनल वीडियो जो मेरे को मोटिवेट करती है, तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें। ठीक है, और मैं ऑथेंटिसिटी के साथ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा। ठीक, ये क्या करेंगे ना, इससे आप फ्यूल कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन को और टायरलेसली वर्क कर पाओगे। लाइक दिन भर में आप थकोगे नहीं, ये नहीं सोच रहे होगे कि यार मैं कि यार थक गया, बहुत पढ़ाई नहीं होगी, आपको और मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई में। ठीक है, इन सब पॉइंट्स की वजह से। ठीक है, आप सिलेबस तभी कवर कर पाओगे क्योंकि लाइक काफ़ी लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रेनस आवर ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड राइट लास्ट के 3 मंथ्स में। एंड फोर्थ वीडियो आपकी होगी पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटजी पेपर, क्योंकि ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ गाइस, मैं लिंक यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, आप वो वीडियो देख लेना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे। अब आपका क्या हो गया, आपकी पढ़ाई हो गई, माइंडसेट क्लियर, पढ़ाई हो गई, मोटिवेशन, आपको वो पॉइंट्स रखोगे दिमाग में तो आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी बीच बीच में। ठीक, उसका मोटिवेशन का डोज भी मिलता रहेगा उन पॉइंट्स की वजह से। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, पेपर में बैठ के कैसे पेपर देना वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन कम्स पेपर एनालिसिस एंड डाउट क्लियरेंस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अभी तक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है, मैंने डायरेक्टली इस वीडियो की जगह ना यही बनाने वाला था, पर मैंने सोचा कि 3 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और रिवीजन स्ट्रेटजी ना उसी में इनकॉर्पोरेट कर दूँ, सो दैट आपके लिए आसानी हो जाए। सो गाइस ये थे 4 से 5 वीडियो, ये 5 to 6 भी हो सकते हैं। ठीक, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मेंशन कर रहा हूँ, 3 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पार्ट 1 पार्ट 2, दिस इज द ओवरव्यू वीडियो राइट। अब तो गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें गाइस, लोगों को पता चले कि इन इन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और सारे वीडियोस देखना। ठीक है, बाय संडे, लाइक इस संडे तक, लाइक 17 February तब तक मेरी सारी वीडियोज अपलोड हो जाएंगी। आई विल मेक श्योर कि हो जाए, क्योंकि गाइस अभी क्या है, मार्च से मेरे पेपर होंगे तो उस समय वीडियोज नहीं बना पाऊंगा, तो उसके लिए मैं कंपनसेट अभी करना चाहता हूँ। यही होती है प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, मेरे को वीडियोज बनाने हैं। ठीक, रेगुलरली हेल्प करनी है आपकी। तो अब देखो मार्च में मेरे पेपर से तो उस समय नहीं कर सकता, तो अभी मैं ढेर सारे वीडियो रिलीज करता हूँ। आई नो कई वीडियो ओवरलैप कर जाएंगी तो व्यूज़ कम जाएंगे, पर आई डोंट केयर अबाउट दैट राइट नाउ। फोकस है कि मैक्सिमम कंटेंट मैं डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, तो 3 मंथ के से रिलेटेड सारे वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे बाई 17 February। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जो ईजिली आप ना किसी से शेयर कर सकते हो, इस 3 मंथ के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेके। अपार्ट फ्रॉम दीज गाइस, बीच में अगर हो सके तो मैं 1-2 वीडियोज ऐसे भी बना रहूँगा, जैसे कि आपके बोर्ड्स भी आ रहे हैं, सारे सब ड्रॉपर्स नहीं है, 12th पास लोग नहीं है, 12th वाले भी लाइक 12th गोइंग स्टूडेंट्स भी है जिनका बोर्ड्स भी आ रहा है। तो हाउ टू मैनेज 12th विथ नीट्स, ताकि आपका नीट का मार्क्स ड्रॉप ना करे। ठीक, 12th के बोर्ड्स के प्रिपरेशन के समय मार्च में आपका बोर्ड का पेपर होगा, तो मैं बता दूंगा किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप बहुत ईजिली यार बहुत ईजिली मैंने भी मैनेज कर लिया था नीट को अपने बोर्ड्स के साथ, कि बोर्ड्स के मार्क्स भी ज़्यादा हैम्पर ना हो और नीट के मार्क्स भी ज़्यादा ड्विंडल ना कर जाए। क्योंकि क्या होता है एस्पिरेंट का, जब बोर्ड के बाद आते हैं ना तो वो लॉस हो जाते हैं, यार अब कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करो। अगर वही वो एक ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले, बोर्ड्स के थ्रू एंड थ्रू जब बोर्ड से जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं शेयर करूँगा उस वीडियो में, तो आप ना नीट के
में भी अच्छा स्कोर आप लाते रहोगे अगर कोई AIIMS आपका पेपर भी चल रहा हो उस समय तो। और मैं एक और वीडियो बना रहा हूँगा मोस्ट प्रोबेबली हाउ टू सिक्योर 95%। मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दूंगा उसमें सारे कि मैंने क्या क्या किया था 95% लाने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये भी सारे वीडियो जो है ना आप मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों को शेयर करो सो दैट सबको लाइक मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। सारे वीडियोस देखोगे तभी बेनिफिट होगा, नहीं तो हाफ नॉलेज अनवर्दी होती है। राइट गाइस, देखो इस वीडियो में मैंने काफ़ी बार बोल दिया शेयर शेयर शेयर, क्योंकि देखो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिमांडेड वीडियो है। सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें कमेंट किया था कि 50 से 60 ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि यार मेरे को नीट के प्रिपरेशन में भी सर आप बता दो सर कैसे प्रिपेयर करें, किन बातों का ध्यान रखें, रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दो। अब मैं शेयर कर रहा हूँ तो इसको मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों तक तो पहुँचा है। ठीक है, थैंक यू गाइज, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। 2 दिन के अंदर वो वीडियो आ रही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही है। ऑल द बेस्ट।